हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मैं जा रही थी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ के लिए जो मैंने पैकिंग की थी उसका मैंने मेरी व्लॉग डाला है कि मैंने पैकिंग किस तरीके से की थी। बैग बहुत ही ज़्यादा भारी हो गया था, बहुत ज़्यादा सामान हो गया था, क्योंकि मैं 15 दिन के लिए जा रही थी। तो मैंने दिनेश को बोला मुझे छोड़ के आ, तो इसने बोला मैं सिर्फ फ़ोटो में बिठा के आऊँगा, क्योंकि इसको कहीं जाना था। और ये देखो, मेरा बैग आके आ ही नहीं रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी हो गया था, बहुत ज़्यादा सामान हो गया था। फिर ये मुझे रिक्शा में बिठा के चला गया। फिर ऑटो लेके मुझे जाना था पुराना बस स्टैंड, क्योंकि वहाँ से मुझे फिर ऑटो चेंज करनी थी नए बस स्टैंड के लिए। मुझे बस मिलने वाली थी चंडीगढ़ की नए बस स्टैंड से। तो ये देखो, मैंने पुराने बस स्टैंड उतरने के बाद मैंने ले ली दूसरे वाली ई रिक्शा। तो ये मुझे छोड़ने वाला था नए बस स्टैंड पे, वो बिल्कुल बाहर जाके सेक्टर 9 के पास है। एक्चुअली वहाँ पे बिल्कुल क्राउड नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उधर जाने के लिए किसी भी को व्हीकल चाहिए, बहुत कम रिक्शा जाते हैं वहाँ। तो ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ टिगरी बॉर्डर के रास्ते कैसे बंद कर रखे हैं, और ये रास्ते सब बंद कर रखे हैं किसान आंदोलन की वजह से। देखो गाड़ियाँ कैसे फंसी पड़ी हैं यहाँ पे, ट्रक वगैरह से इन्होंने रास्ते बंद कर रखे हैं। मतलब यहाँ पे एक सिंगल पर्सन के जाने तक का रास्ता नहीं है, बड़े व्हीकल तो कैसे जाएंगे। देखो कैसे फंसी हुई है आपस में, और इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी कर रखी है यहाँ पे कि कोई भी ना आ पाए। हालांकि वो लोग काफ़ी दूर थे, हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे ही रोक रखा था, फिर भी हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्यों इतनी सिक्योरिटी कर रखी थी। लोगों को आने जाने बड़ी दिक्कत हो रही थी, कि यहाँ से बैरिगेड शुरू हो गए थे। और उसके बाद देखो कितनी सारी सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पे बिठा रखे हैं, आर्मी वाले, फौज वाले। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस वालों को तो काफ़ी दिन पहले से ही यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए लगा रखा था। सब अपने पार्किंग के दर करके और मेट्रो से जाते हैं। ये देखो एक्चुअली पुलिस की वर्दी में खड़े हैं, ये देखिए दिख रहे होंगे आपको। और यहाँ पे सीमेंटेड दीवारें बना रखी हैं, ये देखो सीमेंटेड बैरिगेड भी इन्होंने लगा रखे हैं। अब मैं दिखाती हूँ एम्बुलेंस खड़ी कर रखी है सिक्योरिटी के लिए। हालांकि अभी यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोटेस्ट चल नहीं रहा था, फिर भी पहले से इन्होंने इतना वो कर रखा था, सिक्योरिटी सब कुछ कर रखी थी। लोगों को आने जाने की बड़ी दिक्कतें हो रही थी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी अभी आ जाएगा बस स्टैंड, जो हमारा नया बस स्टैंड है। एक्चुअली ये अभी रिसेंटली शुरू हुआ था, बट वहाँ पे कोई जाता नहीं है। यहाँ से बसेस जो हैं मोस्टली नए बस स्टैंड से और अंदर ही बहादुरगढ़ से निकल के जाते, तो सब लोग उधर से ही ले लेते हैं जिसको बस लेनी होती है। और मुझे कन्फर्म नहीं था कि बस यहीं से जाएगी या फिर अंदर से जाएगी, मुझे ये था कि ये बस जाएगी। अगर मेरी निकल गई है बस तो मुझे नेक्स्ट बस नहीं मिलेगी, क्योंकि ये 10:30 की बस थी। फिर भी मैंने सोचा कि रिस्क ना लूँ, और रिस्क ना लेते हुए मैं आ गई अपने नए बस स्टैंड पे। ये देखो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा मंदिर, मुझे ये मंदिर जो बना हुआ है ये बस स्टैंड के अंदर ही बना हुआ है, ये एक प्राइवेट बस गई है। फिर मैं रिक्शा वाले भैया को पैसे दे के अंदर की तरफ बढ़ी। मैं दूर से देख रही थी अगर यहाँ पे कोई बस खड़ी हो तो, यहाँ पे बस थी तो, बट मुझे लग नहीं रहा था कि ये चंडीगढ़ वाली बस है। चंडीगढ़ वाली बस का टाइमिंग जो मुझे बताया गया था वो 10:30 बजे का था, कि 10:30 बजे यहाँ से बस चलेगी चंडीगढ़ की, उसके बाद यहाँ से कोई भी बस नहीं जाती है चंडीगढ़ के लिए। तो ये तो फॉर श्योर चंडीगढ़ के लिए नहीं थी, क्योंकि ये चली गई। फिर वहाँ पे जाने के बाद मैं बैठ गई। ये देखो मैं आपके दिखाती हूँ, बस स्टैंड भी बिल्कुल ही खाली पड़ा था, और ये यहाँ पे रोडवेज वाले भैया ही बैठे हुए थे। मैंने इसे टाइमिंग पूछा तो इन्होंने बोला कि 10:30 बजे आएगी, और 10:45 के अराउंड वो चलेगी 10-15 मिनट रुकने के बाद। और फिर मैं यहाँ पे देखने लगी, दो अंकल और आके बैठ गए, वो भी बस का वेट कर रहे थे। तो बहुत देर वेट करने के बाद आ गई बहादुरगढ़ से चंडीगढ़ की बस, और इन्होंने लगा दी यहाँ पे 9 नंबर काउंटर पे लगती है अगर किसी को कभी जाना है तो। और बस लगते ही सबसे पहले लोग अपनी जगह के लिए बैठ गए यहाँ पे। मैंने भी फटाफट जाकर खिड़की वाली जगह ले ली और बैग को रख दिया साइड में, ताकि कोई आके बैठ ना पाए, क्योंकि पूरी बस खाली थी। फिर बस चली, चलने के बाद बस रुकी संभाल का, और संभाल कर रुकने के बाद थोड़ा सा फिर बस चल पड़ी और हम बढ़े आगे की तरफ। ये देखो ये यहाँ से बस स्टैंड से बस निकली, और आगे बढ़ने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे जाके बस कहाँ रुकेगी और मैंने रास्ते में क्या क्या देखा था। और कई घंटे की ट्रैवलिंग के बाद हम लोग
पहुंच गए पंचकुला। ये थी पंचकुला की एंट्री और सामने आपको पहाड़ी दिख रही होगी। एक्चुअली ये हरियाणा का शीशे थोड़े से गंदे हैं तो थोड़ा अवॉइड करना, पानी नहीं दिख रही आपको, गंदा दिख रहा है मुझे पता है, पर ठीक है कोई भी चलता है कभी कभी। फिर मैंने देखा कि मुझे कहाँ उतरना है। एक्चुअली मुझे उतरना माजरी चौक, मैंने भैया से पूछा बस स्टैंड वाले भैया से कि मुझे कहाँ उतारोगे, पंचकुला जाना है, तो उन्होंने बोला माजरी चौक उतर जाना। माजरी चौक में उतरी तो वहाँ से मैंने ले ली ऑटो, ऑटो वाले भैया ने बोला कि 20 रुपये लेंगे। मैंने कहा ठीक है क्योंकि नॉर्मल फेयर है वहाँ का। मैं ऑलरेडी अपने फ्रेंड से पूछ चुकी थी कि कितने रुपये लगेंगे, तो मैंने बोला कि भैया पर मुझे ना सिविल हॉस्पिटल ही उतारना। उन्होंने बोला ठीक है मैं वहीं उतारूंगा। फिर उसके बाद मैं पहुंच गई सिविल हॉस्पिटल। ये देखो ये था गेट नंबर 2 सिविल हॉस्पिटल का। वहाँ से मैंने एंट्री करी। एंट्री करने के बाद मैंने किसी से पूछा है कि मुझे जहाँ जाना था SIHFW जाना था, तो मैंने पूछा कहाँ पड़ता है, तो उन्होंने बोला बैक साइड में। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं मैं चली जाती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बना ली तब तक। ये देखो ये हमारा डीजी ऑफिस है। डीजी ऑफिस जो कि हमारे पूरा हरियाणा का हेल्थ का काम यहीं से होता है। ये हमारा हेड है, यहाँ पे सब कुछ इधर ही होता है। हेड ऑफिस एक्चुअली हमारे हेड इधर बैठते हैं जो कि हमारे डीजी सर हैं। और अपोजिट साइड में आपको दिख रही होगी एक और येलो कलर की बिल्डिंग है, वो है हमारा सिविल हॉस्पिटल जहाँ पे मेरी फ्रेंड है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। मतलब मुझे 15 दिन के लिए यहीं रहना था, मेरी ट्रेनिंग भी थी, तो इसी बहाने हम लोग घूम फिर भी लेंगे, बाद में पता नहीं कब टाइम मिलेगा। तो इन्होंने ग्रिल लगा रखी थी जो बहुत ही अच्छी लग रही थी, और मुझे बिल्डिंग बहुत अच्छी लगती है। फिर मैंने किसी से पूछा फिर आगे चलने के बाद कि ये कहाँ पड़ेगा, तो उन्होंने मुझे बताया कि थोड़ा बैक साइड से हंसराज स्कूल आएगा, उसके अपोजिट साइड में पड़ेगा, आप किसी से पूछ लेना या फिर स्ट्रेट जाओगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं पैदल पैदल निकल चुकी वहाँ की तरफ। और ये देखो सामने आपको दिख रहा होगा एग्जिट गेट, मेरी बड़ी बड़ी टांगें दिख रही थी। मैं बहुत थक गई थी क्योंकि मैं सुबह से चली हुई थी और मुझे कई घंटे हो गए थे, एक्चुअली 5:30-6 तो मुझे ऐसे ही बज गए थे। फिर मैं सोचा इधर जाना, फिर मैं डिसाइड किया कि मैं राइट साइड जाती हूँ, शायद इधर ही कोई स्कूल मिलेगा। तो थोड़ा आगे बढ़ने के बाद मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखाई दी कि हाँ ये स्कूल है। फिर आगे जाके मुझे नाम भी दिखाई दिया, वहाँ लिखा हुआ था हंसराज स्कूल, ये गेट नंबर 2 और 3 कुछ है, मतलब मुझे दिखाई नहीं दे रहा, शायद 2 है। और फिर थोड़ा आगे बढ़ी तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा SIHFW जहाँ मुझे जाना था, जहाँ मेरी ट्रेनिंग होने वाली थी। ये है मेरा SIHFW, हाँ ये एक्चुअली यही है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, ये स्कूल है, स्कूल के अपोजिट साइड में ही है ये, तो दूर से मुझे दिखाई दे गया था। इसमें बहुत ही अच्छा पार्क है, तो मैं तो खुश हो गई थी कि मैं सुबह शाम यहाँ पे घूमूंगी 15 दिन के लिए। अच्छी जगह थी, पूरा ग्रीनरी थी, मन लगने वाला काम था। बट थोड़ी कन्फ्यूजन थी कि रूममेट कैसे होंगे, तो चलो देखते हैं हमारा रूम कैसा होगा, रूममेट्स कैसे होंगे। ये आ गया हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मैंने यहाँ पे एंट्री के गार्ड से पूछने के बाद तो उन्होंने बोला अंदर जाके रिसेप्शन है, वहाँ पे आप एंट्री करवा दीजिए, वहीं पे आपको रूम वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। देखो ग्रीनरी कितनी अच्छी है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, मतलब बहुत मन लगने वाला था यहाँ पे मेरा। ये देखो यहाँ पे था हमारा हॉस्टल, लेफ्ट साइड में आप सबको दिखाई दे रहा होगा, मैंने एंट्री करी सब। और देखो ये था मेरा हॉस्टल जो कि बहुत अच्छा था। अब मैं आपको सारी वीडियोज़ डाल के बताऊँगी कि मैंने कब क्या किया। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।